गाइज एक अपडेट आ चुकी है। देखो 18 अक्टूबर को आप लोगों की मेरिट लिस्ट आनी थी, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 19 कर दी, यानी आज आनी है मेरिट लिस्ट। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भैया अभी तक नहीं आई है, कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, सेंट स्टीफन कॉलेज का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही अभी 15-20 मिनट पहले आया है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है और काफ़ी सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको गूगल आप करोगे तो, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली देखो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर यह था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सेंट स्टीफन कॉलेज चलेगा, ठीक है। अब यानी सेंट स्टीफन कॉलेज में भी 100% सीयूटी के स्कोर को वेटेज दिया जाएगा। पहले जो नॉन माइनॉरिटीज थे उनके लिए 15% यानी 15% का जो क्राइटेरिया था यह था कि उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और 85% वेटेज आपका सीयूटी का होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली यह कह चुका है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा और यानी 100% सीयूटी के स्कोर को वेटेज दी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या रहेगी आने की, मतलब टाइमिंग क्या है मेरिट लिस्ट आने की, तो देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, 15-20 मिनट या 5 बजे तक आप वेट कर लो, 5 बजे तक ही आए क्या बता, ठीक है। टाइमिंग अभी यहाँ कोई ऑफिशियल नहीं है कि कब तक आए, ठीक है, 5 बजे तक हो सकता है आ जाए, तो आप लोग चेकआउट करते रहो, ठीक है।